370 का आंकड़ा हो या 400 पार का लक्ष्य हो, इसे समझने के लिए पिछले दो चुनावों में एनडीए और बीजेपी के प्रदर्शन को भी समझना होगा। हम आपको दिखाते हैं 2014 और उसके बाद 2019 के चुनावी नतीजे किस तरीके से 2024 के लिए भी एक संकेत हो सकते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं। 2014 में सवाल था कि मोदी आएंगे कि नहीं, 2019 में सवाल उठा क्या फिर एक बार मोदी सरकार, 2024 में सवाल तो है लेकिन ये कि अब की बार क्या वाकई 400 पार। आज मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूँ और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जब हम इस देश पर शासन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो हम उसी कल्पना को, राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए लगे हैं और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी अपने आप को ढोल बजा रहे हैं, 400 आएंगे पान भाई, आपके आने हैं, आपके आने हैं तो ये सब क्यों नहीं कर रहे? अब आप इस बार 100 भी पार नहीं कर सकेंगे। दावे निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन एक पैटर्न भी होता है जिसके आधार पर दावों को सच्चाई की कसौटी पर परखा जा सकता है। हम 75 साल तक अंग्रेजों की दी हुई दंड संहिता में जीते रहे, हम गर्व से कहेंगे, देश को, नई पीढ़ी को कहेंगे, आप अपने पोते पोती को कह सकेंगे गर्व से कि देश 75 साल भले दंड संहिता में जिया लेकिन अब आने वाली पीढ़ी न्याय संहिता में जिए, और यही सच्चा लोकतंत्र। बहुमत का आंकड़ा लोकसभा में 272 का है। बीजेपी ने 2014 में 282 सीटें जीती थी और एनडीए का कुल आंकड़ा 336 का था। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती और एनडीए का कुल आंकड़ा 350 के पार चला गया। पिछली दो बार के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित बीजेपी ने इस बार 400 पार का लक्ष्य रखा है और जब लक्ष्य बड़ा हो तो सारे साथियों की जरूरत पड़ती है। बीजेपी इसी रणनीति के तहत कुनबे का विस्तार करती है। बीजेपी अपने कोर एजेंडे के दो बड़े वादे पूरे कर चुकी है, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर अयोध्या में श्री राम मंदिर भी बन चुका है। बीजेपी संकेत दे चुकी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी चुनावों से पहले लागू कर दिया जाएगा, यानी चुनावों के लिए बीजेपी पूरी तरह तैयार है और सीटों की संख्या के लिए खुद बड़े नेता लगातार मैराथन रैलियां कर रहे हैं और लगातार एनडीए के विस्तार की रणनीति पर काम कर रहे हैं। 400 पार का आंकड़ा 1984 में एक बार पार हुआ था जब कांग्रेस ने 400 सीटें जीती थी। ये चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो कभी टूटा नहीं। अब चुनावी मैदान में दल मिलेंगे, अपने अपने वादे और दावे करेंगे, तय जनता करेगी कि कौन 400 पार और कौन 40।